हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू गोभी की पार्टी स्टाइल सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम गोभी को गर्म पानी नमक से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। इसे हमें ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ्राई कर लेंगे तो इसको दिखना चाहिए। इसके लिए हमने मीडियम पीस काटा है और दो बड़े आलू को हमने पील करके उसके क्यूब्स काट लिए हैं। ये भी हमने थोड़ा बड़ा ही रखा है, क्योंकि आलू गल जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है, और पार्टी में तो एक एक सब्जी अलग अलग हम पहचाने ऐसी सब्जी बनती है। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाही ले लिया है। कढ़ाही गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटकने देंगे। ध्यान रहे, जीरा को हमें जलने नहीं देना है, जस्ट इसमें से चटकने की आवाज़ आए उतना ही हमें गरम तेल में भूनना है। आप देख सकते हैं अपनी जीरा से चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब हम इसमें कटा हुआ आलू और गोभी डाल देंगे। आलू गोभी को हमें हल्के आंचे पे 80% कुक करना है, तो इसके लिए हम सारी प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे करेंगे। आलू को हमने तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इस स्टीम में ही हम आलू गोभी को 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखें, बीच बीच में हमें इसे चलाते हुए पकाना है। चलिए हम एक बार सब्जी चेक कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट तक भूना है, अपनी सब्जी का कलर चेंज हो गया है। ये अच्छा सा भुना रहा है, लेकिन हम इसे और 10 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमें इसी में इसे 80% तक पका लेना है। तो जब तक हम सब्जी अपना भून रहे हैं, तब तक हम इसकी ग्रेवी पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में हम दो प्याज डालेंगे, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है। दो टमाटर बड़ा वाला ले लेंगे। हमने यहाँ लहसुन की कली को छोड़ा लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च डाल लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे। इसका एक हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। चलिए हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना लिया है। चलिए हम सब्जी की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं हमने चलाते हुए बीच बीच में अपनी आलू गोभी को करीबन 20 मिनट तक भुना है। 80% कुक हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चम्मच की मदद से हम एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सभी सब्जी को अलग प्लेट में निकाल लिया है। एक्स्ट्रा जो तेल बचा है, उसी में हम 1 चम्मच और तेल ऐड करेंगे। अगर तेल ज़्यादा आपका है तो एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो ये प्यूरी बनाया है लहसुन प्याज टमाटर अदरक का, उसे हम इसमें डाल देंगे। इससे अपनी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है। हाँ, ध्यान रहे, इसको पेशेंस रखते हुए हमें भूनना है, क्योंकि कच्चा लहसुन प्याज भूनने में टाइम तो लगता है। तो हम इसे चलाते हुए करीबन 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपनी ग्रेवी को 10 मिनट तक चलाते हुए भूना है। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और
अपने तीखा के अनुसार हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, साथ में हम नमक भी डाल लेंगे। इससे क्या होता है, अपना प्याज टमाटर अच्छे से गल जाता है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम चलाते हुए 2-4 मिनट तक और मसाला को भूनेंगे। अब देख सकते हैं हमने सूखा मसाला डालने के बाद अच्छे से ग्रेवी को भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें ग्रेवी पतली नहीं करनी है, तो यहाँ पे हम अंदाज से पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे सभी सब्जियों में ग्रेवी लगी होनी चाहिए, तो उसी के अंदाज से हम पानी डालेंगे। यहाँ पे हम 1 गिलास पानी यूज कर रहे हैं। ग्रेवी को हम अच्छे से उबलने देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अपनी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो ये भून के आलू गोभी रखा है उसे डाल देंगे। एक आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, अपनी आलू 80% कुक हो चुकी है। हमें जस्ट 20% इसे ग्रेवी के साथ पकाना है, तो हम ग्रेवी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम इसे 4-5 मिनट और पका लेंगे। फाइनली हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला, क्योंकि यहाँ पे हमने फोड़न में कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला है, और फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। एक बार आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ग्रेवी सब्जी में लिपट रही है। फिर भी हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी तैयार हुई है। एक बार मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। ग्रेवी सभी आलू और गोभी में लिपटी हुई है, ऐसी ही तो होती है पार्टी में सब्जी। चलिए हम फ्लेम को ऑफ करके और प्लेटिंग करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने एक सर्विंग कढ़ाई लिया है, आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया अपनी आलू की गोभी की ग्रेवी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आलू गोभी की पार्टी स्टाइल सब्जी बनाना कितना आसान है। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखिए, जिससे हमें रेसिपी बनाने में आनंद आए। धन्यवाद।